क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संजय वशिष्ठ है, मैं जिले से उपाध्यक्ष हूँ और मैं सुन रहे थे संजय जी कि लड़ाई कैसी है चुनाव की, पहले तो ये बताइए क्या लग रहा है? देखो लड़ाई में कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ से दो टिकट मिले हैं, सब जानते हैं दुनिया को कि एक प्रवीण खंडेलवाल जी जो हमारे सीताराम बाजार के हैं और पुराने हैं और वो तो खानदानी है, जैसे उनके ताऊ जी ताराचंद खंडेलवाल जी रहे तो वो तो शुरू से समाज सेवक रहे। रही जयप्रकाश जी का सवाल, जयप्रकाश जी हमारे इलाके में किना बिहार में रहे हैं शुरू से, 8 बार उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा है, लेकिन आज भी उनका इतिहास कहता है वो कितने लोगों के काम आए, कितने लोगों का उन्होंने काम करा। आज कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था, वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, आखिरी मोमेंट पे जयप्रकाश जी को सिले दिया कि कोई मिल ही नहीं रहा था उनसे सीनियर। भाई उनकी उम्र भी 80 साल हो रही है, आदमी की एक उम्र का एक वो होता है कि हाँ भाई मेरे इतने उम्र तक हम कैंडिडेट को लड़ा सकते हैं, लेकिन अब उनके पास कैंडिडेट नहीं है तो आखिर में जयप्रकाश जी को दिया। लेकिन जयप्रकाश जी का कहते हैं उन्होंने कोई यहाँ पे अगर वर्क किया होता तो पहले जीत गए होते। लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या किया 10 साल में यहाँ पर, और फिर टिकट क्यों कट गया उनका, ये भी तो बड़ा। देखो हाँ, डॉक्टर साहब का टिकट कटा नहीं, पार्टी ने इसलिए काटा है, हमारी पार्टी का एक इतिहास रहा है कि हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता को एक मौका दिया जाता है, तो हमारे यहाँ तो 2 बार दे दिया, 3 बार हर नगर निगम में एक युवा को मौका दिया जाता है हमारे, तो डॉक्टर साहब को तो एक हम इसलिए साइड कराए कि हम उनको कहीं ना कहीं गवर्नर ला सके या कहीं अच्छे पद पे उनकी सेवा ले सके, क्योंकि उनकी उम्र हो रही है। देखो एक उम्र के लिहाज से मैंने अभी जयप्रकाश जी के लिए भी कहा तो एक उम्र के बाद आदमी को एक इस टाइप का पद दे देना चाहिए जहाँ वो जनता की सेवा। लेकिन ये तो पनिशमेंट लगती है ना, कोविड के बाद उनको अचानक पद से हटा दिया, उसके बाद टिकट काट दिया। नहीं नहीं पनिशमेंट नहीं है ये तो, उनको हमारी पार्टी का इतिहास रहा है, आप देखो कहीं भी हमने अगर किसी कैंडिडेट को 1 बार दिया 2 बार दिया उसके बाद किसी नए को हम चांस देते हैं जिससे वो और उत्साह से काम कर सके जनता का। ये नहीं कि हर्षवर्धन जी का हमने काट दिया तो हमने उनको पनिशमेंट दे दी, नहीं ये जनता का सोचना ही गलत है। काम क्या क्या हुआ चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के? देखो चांदनी चौक में हमारे जितने पार्कों में आप जाके देखोगे सब जगह जिम लगवा दिए गए, जामा मस्जिद पे जाओ, हनुमान मंदिर पे जाओ, सब जगह स्ट्रीट लाइटें जो हाई वोल्टेज लाइटें होती हैं वो सब जगह लगवा दी गई है, और जो अगले सुबह 9 बजे बैठते थे अपने ऑफिस में और जनता के बीच में कई बार चक्कर भी काटते थे, 9 बजे उनके पास कोई भी जाएगा, उनका काम होता था, उनके नाम का लेटर बनता था, उनके लिए फोन किया जाता था कि जनता का ये काम है, वो करवाते थे बैठे बैठे। मतलब इस बार जनता भरोसा करेगी आप लोगों पर एक बार फिर से? जनता पे, जनता को पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे, उन्होंने मोदी जी का काम देख लिया है, मोदी जी का पूरे वर्ल्ड में जो हमारे लोगों का नाम है, आज हम कहीं भी जाते पूरे वर्ल्ड में बोला कहाँ से आए, इंडिया से, तो हमारा इतना ही कहना बहुत है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, देखिए मोदी के भरोसे यहाँ पर भी चुनाव दिखाई दे रहा है, क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम बलवीर सिंह है जी। बलवीर जी क्या है यहाँ के मुद्दे, चांदनी चौक के मुद्दे, दिक्कतें क्या है, कुछ दूर हुआ है पहले? नहीं, पानी बिजली की खूब अच्छी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आगे, व्यापारी लोग हैं सब, व्यापार खुशहाल है सब, कोई काम की कमी नहीं, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा यहाँ पे। खंडेलवाल जी आए, हम ये नहीं कहे कि बार को एक कोई टिकट देते रहे, और को भी तो नंबर आना चाहिए टिकट लेने के लिए, और जिसके पास कैंडिडेट ही नहीं तो वो दूसरे को खड़े क्या करेंगे आगे, जब तुम्हारे पास कैंडिडेट है तो तुम भी दूसरे को खड़ा कर देते, इसमें बुराई क्या है? कैंडिडेट होने के बाद जीतेगा, 10-10 साल मंत्री रह चुके तो दूसरा को भी तो नंबर आती है, और भी तो लेन में लगे हुए हैं वहाँ, तो हमारे यहाँ तो मोदी जी यही करते हैं कि भाई एक बार को हटा दूसरे को दूसरे लाओ, और कोई काम करो जाके। मोदी जी तो खुद तीसरी बार पीएम बनने की तैयारी में है सर। मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे और वर्ल्ड के अंदर बनेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई नियम लागू नहीं होता क्या जी? क्यों नहीं लागू होता? हाँ क्यों नहीं होता? पीएम जी के पीएम जी हो जाएंगे भाई, जब तक काम कर रहे हैं ठीक है, जब काम गलत करेंगे तो वो भी अलग हट जाएंगे देश के लिए। डॉक्टर साहब ने गलत काम किया था बटे? कोई गलत काम नहीं करा, नहीं हम कब कह रहे गलत काम करा, डॉक्टर साहब ने काम सही करा, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी के अंदर ये काम है कि एक को ला के दोबारा भी लाना दूसरे को ला दिया, दूसरा भी कर करता हमारे मौजूद है, हमारे यहाँ ये नहीं है विपक्ष कांग्रेस की तरह का, चलो एक ही राहुल गांधी जी बनेंगे तो दूसरे राहुल गांधी जी बनेंगे, जो बनेगा दूसरा भी तो उन्हीं के कहने पे बनेगा जो उनके पीछे चलेगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।